वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम देख रहे होंगे अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स के सिक्स्थ लेक्चर को, जहां पे हम लोग देख रहे हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सेटअप डिफरेंट लग रहा होगा, लाइट बोर्ड पर आज हम लेक्चर नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली उस सेटअप पर कुछ काम चल रहा था, उस रूम में कुछ काम चल रहा था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आज वीडियो बना रहा हूँ। आई होप यहाँ पर भी आपके सेम तरीके से मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊंगा। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने लेक्चर सिक्स्थ को, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लैट पैनल डिस्प्ले के बारे में। बेसिकली फ्लैट पैनल डिस्प्ले में दो तरीके की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी आप बोल सकते हैं। इसको एलईडी डिस्प्ले या फिर एलसीडी डिस्प्ले बोलना नॉन टेक्निकल लोगों का, मैं अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे तो इसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलना ज़्यादा बेहतर होगा कि एलईडी टेक्नोलॉजी एंड एलसीडी टेक्नोलॉजी, क्योंकि दोनों एक ही डिस्प्ले के टाइप हैं। एक्चुअली देखा जाए तो एलसीडी और एलईडी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। लोगों को लगता है कि एलसीडी पहले थी, एलईडी बाद में आएंगे, तो एलईडी में एलसीडी के चीज़ों का यूज़ हम नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता। आपको एलईडी मॉनिटर में भी, एलईडी डिस्प्ले में भी, जो एलईडी डिस्प्ले हो रही है आजकल, जितने भी आपके फ़ोन हो गए, आपकी टीवी होगी, जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हो गए, आपके टेलीविजन हो गए, सब एलईडी डिस्प्ले पे, एलईडी टेक्नोलॉजी पे, उसमें भी हम लोग लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे एलईडी डिस्प्ले के बारे में, जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर आता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलसीडी के बारे में पढ़ेंगे। तो एलईडी जो होता है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट ये जो डायग्राम है आपको इस डायग्राम को बस याद रखना है। ये वाला जो डायग्राम है ये आपकी बुक में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और इंटरनेट पे भी बहुत ही मुश्किल तरीके से इसको समझाया गया है। मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में डायग्राम बनाना भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी, बट उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एलईडी की बेसिक प्रिंसिपल क्या होती है। एलईडी की बेसिक प्रिंसिपल, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो भी आप एग्जाम होने वाले हैं, या आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, अगर आपकी ऑनलाइन एग्जाम भी होती तो आपको यहाँ से इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एलईडी, जैसे विच टाइप ऑफ डिस्प्ले यूजेस एरे ऑफ एलईडी लाइट्स, या फिर एरे ऑफ स्ट्रिप लाइट, या फिर एज अ सोर्स लाइट, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे आपको एलईडी टेक्नोलॉजी फिर एलईडी डिस्प्ले पे टिक करना होता है। बेसिकली एलईडी डिस्प्ले एक ऐसी डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी होती है जो एलईडी लाइट्स को यूज़ करती है। कई बार हम लोग एरे ऑफ एलईडी लाइट्स भी बोलते हैं। एरे का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, प्रोग्रामिंग में इसको हम लोग एरे बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपको एरे ऑफ एलईडी लाइट्स भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली एलईडी लाइट जो होती है वो ही पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है एज अ सोर्स करके। अब उसका जो पैटर्न होता है मैं आपको इस डायग्राम में समझाऊंगा, बट जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है कि ये एक ऐसी स्क्रीन की डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है जो एलईडी लाइट के पैनल को यूज़ करती है। एक पैनल होता है बड़ा सा, जिसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एलईडी छोटे छोटे लाइट्स होते हैं, और वो लाइट इस तरीके से प्रोजेक्ट होते हैं कि सामने स्क्रीन पे इमेज बनती है। अब ये सोच रहे हो कि यार एलईडी लाइट से इमेज कैसे बन सकती है, जैसे हमारे घर में भी एलईडी लाइट्स होते, उससे तो इमेज नहीं बनती। देखो यार, इमेज जो होती है, आप लोग शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे हमारी शैडो बनती है, सूरज की रोशनी आ रही है और उससे हमारी शैडो बन रही है, कोई लाइट सोर्स आ रहा है उससे हमारी शैडो बन रही है। तो हम एक ऑब्जेक्ट हैं और इस साइड से सबका सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है और यहाँ पर हमारी शैडो बन रही है, वो कैसे हो रहा है? तो बेसिकली लाइट जो होता है, लाइट के पास बहुत पावर होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें हमारे पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में, इमेज प्रोड्यूसिंग में यूज़ होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, और इसके पीछे की आर्किटेक्चर जो ये होती है, एलईडी डिस्प्ले आप देखते हो इतनी पतली सी एलईडी डिस्प्ले होती है, बट उसमें इतने लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स हैं यहाँ पे? 1, ये एक लेयर हम उसको बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लेयर्स होते हैं, और एक कवर फेस, मतलब बेसिकली देखा जाए तो पूरे 8 लेयर्स हैं हमारे पास। सोचो इतनी पतली डिस्प्ले में हमारे पास 8 लेयर्स होते हैं उसके अंदर में, इतनी पतली। तो बेसिकली आर्किटेक्चर के रूप में काम करता है कि एलईडी लाइट आ रही है, उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, कलर फिल्टराइजेशन हो रहा है, कलर करेक्शन हो रहा है, उसके बाद आपको एक इमेज दिख रहा है। यहाँ पे भी आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रहा होगा उसमें भी सेम यही प्रोसेस हो रही होंगी। तो ये प्रोसेस के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, बट उससे पहले हम बेसिक डेफिनेशन और बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ स्क्रीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दैट यूजेस अ पैनल ऑफ एलईडी लाइट एज अ लाइट सोर्स। क्योंकि किसी भी इमेज को दिखाने के लिए लाइट सोर्स की जरूरत, जैसे मैंने आपको शैडो का एग्जांपल बताया कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, जैसे सनलाइट आ रही है, यहां मेरा शैडो बनेगा, तो लाइट सोर्स क्या है? सनलाइट। तो यहां पे भी इमेज को दिखाने के लिए आपको लाइट सोर्स चाहिए होगा, और एलईडी में, एलईडी डिस्प्ले में लाइट सोर्स का काम कौन करता है? तो हमारा एलईडी पैनल करता है, जिसमें एरे ऑफ एलईडी लाइट्स, मतलब बहुत सारे एलईडी लाइट्स लगे होते हैं। जैसे पहले के जमाने में जो टीवी थे, जो सीआरटी मॉनिटर, जो बड़ी वाली टीवी होती थी, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था सीआरटी मॉनिटर के बारे में, उस
उसमें भी लाइट होता था, उसमें भी इफेक्ट्स होते थे, उसमें भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते, बट वो ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता था? इलेक्ट्रॉन बीम। यहाँ पे क्या कर रहा है? एलईडी पैनल वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जो भी हमारा जो लाइट को डिस्प्ले करा रहा है और जो इमेज के फॉर्म में हमें एक इमेज प्रोड्यूस करा रहा है, उसके लिए एक सेमीकंडक्टर से बना एक डायोड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली टर्म है। ए लाइट इमिटिंग डायोड इज मेड अप ऑफ ए सेमीकंडक्टर चिप विच इज सराउंडेड बाय ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कोट। जो हमारा लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जहां से हमारी एलईडी लाइट निकल रही होती है, वो प्लास्टिक केस के अंदर होता है। अब प्लास्टिक केस क्यों होता है? प्लास्टिक केस बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है कि लाइट को अच्छे से पास करा पाए हम लोग। और कई बार क्या होता है कि आपको पूरी लाइट नहीं चाहिए होती, आपको एक एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी की लाइट चाहिए होती है, एक स्पेसिफिक मैनर में लाइट चाहिए होती है, तो इसलिए हम लोग प्लास्टिक केस का यूज़ करते हैं। ये तीन पॉइंट्स आपकी थ्योरी एग्जाम के लिए भी बहुत इनफ है, आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना। आप तीन पॉइंट्स आप लिख के ये आप बना दोगे और उसके बाद आप एक एडवांटेज डिसएडवांटेज भी डाल दोगे तो आपका काम चल जाएगा। मैंने आपको नोट्स में, सारे नोट्स में ये सब चीज़ डाल रखा है पहले से। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको कैसे मिलेगा? सिंपल, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। नोट्स, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट, एमसीक्यू बुक सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। और संडे को लाइव सेशन है जहाँ पे मैं पूरी चीज़ें लाइव पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये तो हमने समझा, बेसिक प्रिंसिपल हमने देख लिया, एलईडी डिस्प्ले किस तरीके से काम करती है। एक पैनल होता है एलईडी का जहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एलईडी लाइट्स लगी होती है और उसके बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जिस तरीके से हमें एक इमेज की दिखती, हमें एक पिक्चर दिखता है, और वो ऑपरेशन क्या क्या होता है, तो यहाँ पे सेवन लेयर्स में वो ऑपरेशन हो रहा होता है। आई होप आपकी डायग्राम थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिलेगी डायग्राम से। देखो, एलईडी डायग्राम में सेवन लेयर होते हैं हमारे पास, सात लेयर होता है। पहला लेयर जो होता है, सबसे जो पीछे होता है, वो होता है एलईडी बैकलाइट, जो हमारा मेन लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं मेन लेयर, जहाँ पे आपकी पूरी एलईडी बैकलाइट, जहाँ पे एलईडी लाइट्स लगी होती हैं आपकी, ये मेन लेयर होता है। अगर आपको ऐसा 3D देखो, अगर इस डायग्राम को 3D ऐसे ऐसे करके देखो, तो ये लेयर बाय लेयर ऐसे ऐसे है, एक लेयर ये, दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, ऐसे ऐसे वन बाय वन लेयर है। एक के आगे एक है, एक पीछे, फिर उसके आगे एक, फिर उसके आगे एक, फिर उसके आगे, मतलब इस टाइप से सिक्वेंस वाइज में लेयर्स वहां पे मौजूद है। तो पहली जो लेयर है, ये वाली लेयर जो हमारी फर्स्ट लेयर जो है, ये एलईडी बैकलाइट की लेयर। इसका काम क्या होता है? लाइट को इमिट करना, मतलब ये सेमीकंडक्टर चिप से बना है, जो हमारा दूसरा पॉइंट था। इसमें सारे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एलईडी लाइट्स होते थे। ऐसे ऐसे एलईडी लाइट्स, मैं इसको नोटेट कर देता हूँ, मैं डॉट डॉट दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे आपके एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पे आपके पास सेमीकंडक्टर से बना एक एलईडी लाइट है। ठीक है, ये एलईडी लाइट है। उसके बाद ग्लास फिल्टर होता है, जितनी भी लाइट्स आ रहे हैं हमारे पास उसको फिल्टर करके आगे भेजे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, इमेज को दिखाने के लिए आपके पास लाइट की सोर्स को आपको पहले फिल्टराइजेशन, थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ता है। आप पूरी लाइट को एक साथ दिखा दोगे, आपकी इमेज नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे लाइट ग्लास फिल्टर का काम क्या होता है? लाइट को फिल्टर करके भेजना, जितनी ज़रूरत है उतनी ही लाइट को दिखाना। उसके बाद TFT होता है। TFT एक तरह का डिवाइस, एक तरह का चिप बोलो आप, एक तरह की टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल, मैंने आपको पहले ही बताया कि LED है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे LCD की कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं। यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल्स छोटे छोटे ग्लासेस के फॉर्म में होते हैं, जो कई बार इमेज को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब मैं आपको इसका रियल लाइफ नेचुरल एग्जांपल बताता हूँ, रेनबो का फॉर्मेशन। रेनबो का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? सनलाइट आ रही है और वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ी है, और वाटर ड्रॉपलेट्स किस तरीके से काम करते हैं वहाँ पे? क्रिस्टल के फॉर्म में। तो अब ये सोचो कि जो रेनबो की इमेज बनती है वो भी तो इसी तरीके से बनती है। एक सन का लाइट आ रहा है और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद है, उस पर लाइट पड़ा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलो, रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल है, उन सब का मदद से वो पूरा एक रेनबो का इमेज फॉर्म हो रहा है। सेम उसी तरीके से लोग यहां पे लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज कर रहे हैं। देन कलर फिल्टर, कि जो भी इमेज बनने वाली है उसकी कलर करेक्शन हो गया, या फिर कलर कितना चाहिए, कलर क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे कलर फिल्टर में होता है। देन लास्ट है, देन हमारा सेकंड लास्ट है ग्लास फिल्टर, फिर से ग्लास फिल्टर का हम लोग यूज़ करते हैं। और लास्ट में डिस्प्ले पिक्चर, ये सेवन्थ स्टेप, जहाँ पे हमारी पिक्चर को डिस्प्ले कराया जाता है। और लास्ट में ये जो होता है कवर ग्लास, बेसिकली यहाँ पे आपकी इमेज दिखती है, एक्स्ट्रा कवर वहाँ पे होता है ताकि डिस्प्ले पे कुछ भी फर्क ना पड़े। सपोज करो ये हमारी टीवी है, कोई भी टीवी हमारी है, तो उसमें ये सारे लेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक, मेरी यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ठीक है, आई होप आपकी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। देखो,
ये जो है, अब जो मैंने सबसे पहला एट्थ स्टेप आपको बोला, यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको एट्थ स्टेप जो दिखाया, एट वाला लास्ट वाला, वो होता है ये वाला, ये कवर्ड ग्लास, ये जो पोर्शन होता है ये हमारा कवर्ड ग्लास होता है, ये डिस्प्ले नहीं है। अगर डिस्प्ले होता तो तुरंत टूट जाता या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती यहाँ पे, बट ये हमारा क्या है, ये हमारा कवर ग्लास है। सो इस टीवी पे मैं बेसिकली आपके लाइव सेशंस लेता हूँ, लैपटॉप भी कनेक्टेड होता है और टीवी पे मैं सारे बच्चों को सुनता हूँ। हमारे कोर्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली। अभी सेकेंड ईयर के लिए सारी चीज़ें फ्री होती है, बट हमारा कोर्स जो काफ़ी प्रीमियम कोर्स है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और वन माई फेवरेट टीवी है ये स्मार्ट टीवी है बेसिकली। तो ये जो है ये प्लास्टिक है, बेसिकली प्लास्टिक कवर है, और ये जो इतनी पतली लेयर आपको दिख रही है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं है, बहुत पतली लेयर है, बट इसी में सेवेंथ लेयर है। सबसे पीछे क्या होगा, एलईडी बैकलाइट, देन उसके आगे आप फिल्टर्स होंगे, कलर कॉम्प्राइजेशन होंगे, एलसीडी क्रिस्टल्स होंगे कहीं ना कहीं बीच में, देन आगे डिस्प्ले पिक्चर होगा, देन आगे प्लास्टिक की कवर होगी। तो ये सारी चीज़ें इसी में मौजूद है, इतनी पतली सी टीवी में सारी चीज़ें मौजूद है। तो बेसिकली ऐसे एलईडी काम करता है, और एलईडी की चीज़ें ये होती हैं। मैं आपको एक बार और डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली एलईडी की एक बेसिक सी प्रिंसिपल होती है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, बट इस चैनल पे मैं, जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इस चैनल पे मैं MSBT की ओरिएंटेड सिलेबस डाल रहा हूँ। MSBT के लेक्चर्स कोई नहीं डालता, कोई बात ही नहीं करना चाहता, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10,000 से ज़्यादा बच्चे आते हैं मॉक में हमारे साथ, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको CUEP के लिए तैयार करना, PSAT के लिए तैयार। जो मेरी कोर्स है उसमें हम लोग CUEP PSAT के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो ये एकमात्र चैनल है हमारा, योर इंजीनियरिंग फ्रेंड, जहाँ पे हम MSBT डिप्लोमा के ओरिएंटेड कंटेंट को डाल रहे हैं। तो अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने फीडबैक में कमेंट जरूर बताना कि आपको LED डिस्प्ले समझ में आया कि नहीं आया, और इसकी आर्किटेक्चर समझ में आई कि नहीं है। 7 लेयर्स होते हैं यहाँ पे, आपको याद रखना बहुत ही सिंपल है। पहले 7 लेयर्स बना देना 3D में। LED बैकलाइट होता है सबसे पहला, ग्लास फिल्टर TFT, लिक्विड क्रिस्टल, फिर से कलर फिल्टर, ग्लास फिल्टर, डिस्प्ले पिक्चर। आगे से भी याद कर सकते हो, पीछे से भी याद कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हो। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इस वीडियो कोई कॉलेज के स्टाफ देख रहे हैं, फिर कोई स्टूडेंट देख जिनके क्लास, जिनको कॉलेज से कम्युनिकेट हो सकता है, मैं आपके कॉलेज में गेस्ट लेक्चर्स लेता हूँ, वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं करते हम लोग गेस्ट लेक्चर्स के, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के। तो अगर जो बच्चे चाहते कि मैं उनके कॉलेज में गेस्ट लेक्चर लूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरा नंबर आप शेयर कर सकते हैं अपने स्टाफ्स को, टीचर्स को, वो मुझसे बात कर सकते हैं गेस्ट लेक्चर्स के लिए। मैं गेस्ट लेक्चर ले सकता हूँ आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों की फ्री में, कोई चार्जेस हम लोग लेते हैं। सेमिनार्स, गेस्ट लेक्चर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ले रहे होते हैं यहाँ पे, बच्चों को बेसिकली प्रिपेयर कर रहे होते हैं आने वाले टाइम के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, खैर इस वीडियो में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और LCD डिस्प्ले के बारे में पढ़ते हैं। MSBT के हर एक सिलेबस को मैं ट्राई कर रहा हूँ कवर अप करने की, जितनी भी चीज़ें मैं कवर अप कर पाऊंगा वो सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।